क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार सुबह रुड़की के नारसन में भयावह एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्षकारियों के मुताबिक इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। ऋषभ पंत कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हालत गंभीर होने के कारण नहीं निकल पा रहे थे। फिर वो वहां से खुद ही किसी तरह बाहर निकले। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की गाड़ी में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए थे। घटना के बाद सारे रुपए सड़क पर बिखरे पड़े थे। वहां तड़पते रहे ऋषभ पंत, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऋषभ पंत की मदद करने के बजाय नोट अपनी जेबों में भरने और वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। वहीं दो युवक इस दौरान मसीहा बनकर सामने आए। रुड़की के सक्षम अस्पताल में जब ऋषभ पंत को भर्ती कराया गया तो इस दौरान दो युवक भी थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक पुरकाजी के समीप शकरपुर गांव का रहने वाला है। वो घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर आगे लिबरहेरी में स्थित उत्तम शुगर मिल में नौकरी करता है। सुबह के समय वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान उसने दुर्घटना में घायल हुए ऋषभ पंत को पहचान लिया। डॉक्टर सुशील नागर ने बताया कि अस्पताल में जब पंत को लाया गया तो दो युवक भी थे। उन्होंने सही समय पर पंत को अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर सुशील नागर ने बताया कि भर्ती के दौरान पंत की हालत थोड़ी गंभीर थी लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो हालत ठीक होने लगी। इसके बाद ऋषभ पंत को देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया है कि यहां ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत किस तरीके से यहां पर पड़े रहे और लोग वीडियो बनाते रहे। यहाँ पर इंसानियत पूरे तरीके से चूर चूर हो गई। लेकिन जिस तरीके से दो शख्स मसीहा बनकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए आए उनकी तारीफ अब हर कोई बेहद सही तरीके से कर रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।